यादगार पे उल्टे लेटे हुए थे विदा नसरीन खुली डुली पार्लर आ गया आ तो मैं तेरी लत्ता दे विच गोडा लेके ऐसी कटिंग करांगा तेरे लग पता जाएगा मैं पार्लर आई तो बहुत बकरा नहीं तो मेरा मुंह तुसी देखो नहीं नहीं आपके मुंह भी ठीक है इतने चलो फिर अपना देख लो मुर्गी मारी उन्हें मेरे भरा नु फड़ाई उन्हें उसे वेले नु छुरी फेरी सदका देता है नहीं आप पकाई चावा ठंडिया चावा ओ माता नहीं मामा अच्छा मामा खर्चन तो बाद जी। सारा कुछ होया जो होना सी मैं लाख रुपया देंगे मेरे नंबर ही चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं जान रंबो यूट्यूब चैनल और मैं आपको दी जान रंबो शो में वेलकम करता हूं ख्वातीन हज़रात कभी एक ज़माना था किसी एक इलाके में एक या दो ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे लेकिन आज ये वक्त आ गया है कि हर गली मोहल्ले में इतने स्कूल नहीं हैं जितने ब्यूटी पार्लर्स हैं और पहले सिर्फ मेकअप का काम हुआ करता था या सिर्फ बालों को डाई करना या बालों की कटिंग करानी इसके अलावा कोई काम नहीं था अब वक्त ने तरक्की की ज़माने ने तरक्की की और ब्यूटिशियन का काम भी बढ़ गया जी बोटॉक्स करवा लें आईब्रो नहीं लगवा लें आई लैशेज लगवा लें या पता नहीं वो एक थ्रेडिंग भी होती है मुँह को खिंचवा लें होंठों को बड़ा बड़ा करवा लें पतले होंठ पहले कहते थे फूल की पंखड़ी जैसे होंठ तो अब देखें होंठ तो बस पता नहीं फैशन की बात है जी जिधर फैशन जाता है उधर हम चल पड़ते हैं फैशन के साथ साथ वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है अच्छा पहले भी और अब भी बहुत सारी लड़कियां और ख्वातीन ऐसी हैं जो बकायदा इसकी तालीम लेके अपना ब्यूटीशियन का काम सीख के ब्यूटी पार्लर खोलती हैं लेकिन कुछ ऐसी ख्वातीन भी हैं जो देखा दाखी जिनको थोड़ा बहुत हाथ चलाना आ जाए वो कहीं ना कहीं घर में किसी नुक्कड़ में किसी गली में अपना एक सैलून खोल के बैठ जाती हैं और उनकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी होता है कईयों की स्किन ख़राब हो जाती है कईयों की अपना कटिंग तो चले दोबारा आ जाती है लेकिन वो टाई एंड डाई जो करते हैं बालों को और गलत केमिकल की मिक्सचर जो होता है वो प्रॉपर नहीं बना सकती उन्हें आइडिया नहीं होता तो बहुत सारा नुकसान होता है और कई ख़वातीन के बाल उड़ जाते हैं सस्ते चक्रों में तो इसी पर आज हम बात करेंगे जी हमारे साथ एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है और एक ऐसी खातून है वो कहती है जी मेरा भी सैलून है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका सैलून है वो कहती है जी मैंने भी सीखा हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने काम सीखा हुआ है वो कहती है जी मैं भी दिन में दो दो तीन तीन दुल्हनें तैयार करती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करती होंगी आपको लगेगा तो आपने मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा और उसके बाद एक हमारे साथ एक साहब भी हैं उनसे भी बात करेंगे भरपूर तालियों में शो शुरू करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रेम्बो कैसे हो ठीक जी मैं ठीक हूँ अल्लाह के आप एक काम करो आप पहली फुर्सत में आप मेरे सैलून पे आओ क्यों मुझे क्या हुआ जहाँ जहाँ से अगर आपको कोई यू नो गंज फील हो ना आप ये विग उतार दो मैं आपकी जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट कर दूँ एक मिनट आपको किसने कहा ये विग मैंने सुना है कि रेम्बो विग लगाते हैं नहीं मैं अब ये थोड़ा सा खींच के दिखाएं ये देखें बस मैंने बाल ही कटवाने थे अच्छा मेरे मेरे सैलून पे सब कुछ अवेलेबल है यू नो आपकी स्किन टाइटनिंग वाइटनिंग और इसके अलावा अगर आपको थकावट फील हो तो स्पा में आइएगा अच्छा स्पा में भी वो भी है आपका अच्छा बाकायदा आपने डिग्री ली हुई है जी ये वो है डिप्लोमा है और मुझे पता चला है कि पूरे पाकिस्तान में आपकी ब्रांचेज है आपने फ्रेंचाइज दी हुई है या अपनी है जी मेरी अपनी ब्रांचेज है और आपको पता है कि अब मैंने अपने नाम से अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी हैं अच्छा मतलब अगर मेरे नाम है फरी फरी मस्कारा फरी आई शेडो फरी ब्लश ऑन मेरे नाम से है जी जी आपका नाम है माशाल्लाह बड़ा आप सब जानते हैं और मेरा ख्याल है कि आप 25-26 साल हो गए आपको ये जी बिल्कुल इतना अरसा हो गया और आप कोशिश कीजिए आप साहिबा को भेजें मुझसे क्लासेस लें जरा मेकअप करती हूं अच्छा आप वो आपसे क्लासेस लें चलिए ठीक है मैं उनसे कहूंगा कि वो जरूर आप आइए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी सर्विसेज लीजिए आप क्या हो गया नहीं आप मेल का भी काम करते यस लेडीज जेंट्स स्पा में लेडीज और जेंट्स आप मेरे स्पा में आइए आपकी थकावट उतर जाएगी कब तक यादगार पे जाके मालिशियों से ये करवाते रहेंगे यादगार पे तो मैंने कभी मालिश नहीं कराई लेकिन दो तीन दफा देखा था मैंने पुठे लेटे हुए थे
आप मुझे कहाँ देखा नहीं, आपने? मैंने मैंने चेहरा नहीं देखा लेकिन मैंने भूर से अंदाजा लगाया कि आप भूर से क्या मतलब डोंकी किंग मतलब बच्चे बच्चे की जुबान पे है डोंकी किंग यार क्या हो गया है तो नहीं वहां से भुर मैंने कब किया है मैं यादगार पे उल्टे लेटे हुए थे अच्छा चलें अगर आप समझती हैं तो मैं वहीं से मालिश करवाता था चलें कभी फिर मैं आपकी तरफ भी चक्कर लगाऊंगा मेरी तरफ नहीं स्पा में आ स्पा में आना जी बहुत शुक्रिया अच्छा इनके साथ तशरीफ रखती हैं जी वो खातून जो कहती हैं जी कि मैं बहुत अच्छा मुझे काम आता है लेकिन मुझे नहीं लगता सीखी हुई है और इन्होंने कहां सैलून खोला है अपना उनसे बात करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम अच्छा मैं काम सीखी नहीं हुई जरा तुसी काम चला रहे हो तुसी सीखे हो क्या मतलब ये क्या काम चला ताड़ा काम चलता पे है ना जी जी तो माशाल्लाह मेरा भी पार्लर चलता पे आवे नहीं नहीं मुझे पता चला है कि ये जरूरी नहीं है कि सीखी हुई है या नहीं सीखी हुई काम तो चल रहा है ना आपका ओ तो शुक्र है अल्लाह का तुसी ये क्यों कि जदी सीखी हुई हो कहां पे है आपका सैलून मेरा सैलून है जी मेरे घर च कहां पे जिथे पानी वाली मोटर है जिथे पानी वाली मोटर क्या मतलब जिथे पानी वाली मोटर नहीं साड़ी लगी गैराज में हां ओती पार्लर में बनाया है तो क्या कैसी पोजीशन है कैसे चल रहा है ऐसी पोजीशन है आहा लोग ही आंदे ने खुश हो जांदे ने कहंदे ने सानू बोतियां पौड़ियां नहीं चढ़नियां पैंदियां बूए नहीं खोलने पैंदे ऐ बड़ा गेट खुला नहीं थे पार्लर अच्छा जर बड़ा गेट खुला हुआ है हां जी विदा नसीन खुली डुली पार्लर वाली तो आगे कर्टन आपने कुछ पर्दा तो कोई कर्टन नहीं खुला डुला हवा खोरी आहा मजे नाल मैं तो शरियाम काम करनी मैं कोई बुरा काम थोड़ी करन दई हां मैं तो कुड़ी नु सामने बाक दी थ्रेडिंग ने इंजन कर रही हुंदी हां इंजन लोकी वेख रहे हुंदे ने कि बाजी थ्रेडिंग करन दई है अच्छा फुल डुल के काम इना वांगू थोड़ी स्पाक टपाक लपाक निके निके कट ना 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 विदा नसीन खुली डुली अच्छा ठीक है ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਆਣਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਕੇ ਆਹ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਆਂ ਆਫਰ ਹਾਂਜੀ ਐਸਾ ਲਤੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਹ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮੇਦਾ ਨਸਰੀਨ ਖੁਲੀ ਡੁੱਲੀ ਆਏ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਤੜਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹਾਈ ਰੈਂਬੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਠੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਉਰਦੂ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸ਼ੁਕ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਜੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀ ਜੰਮੀ ਦਾ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਲੱਤ ਫੇਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਚੁੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਓਏ ਹੋਏ ਲੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕਰੀ ਕੋਈ ਬੋ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ अच्छा जी आप लड़े ना मुझे अगले मेहमान से बात करने की इजाजत हो अगर आप हाँ जी जरूर जरूर मेरे अगले मेहमान एक साहब है जी उनकी अभी एक हफ्ता हुआ शादी हुई है उनको मैंने शो में बुलाया है उनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हुआ वालेकुम सलाम लिखे तो मैं नहीं क्या आप इतने गुस्से में क्यों है गुस्से में क्यों है सुहाग रात थी घूंघट उठा न था मैंने तड़प गया हूँ मैं देखा जो अपनी बीवी को हुआ क्या हुआ क्या होना की सिर है मुसा मेहनत नाल विआह वास्ते पैसे जोड़े अच्छा मजदूरियां कीतियां राजा ने मगर जाता रहे और राज मेरे मगर होंगे मैं कि कोई गल अगर पिछा होंगे ही रहा बंदे ठीक है पैसे जोड़े कमेटियां पाइया तीन साल कमेटी का वेट किया चौथे साल कमेटी निकलनी सी माई निकल गई जो कमेटी पैंदी सी उन्हें शेखपुरे फड़ के लिया उस माई ने अच्छा कमेटी दे विचों 7500 रुपया उन्हें फड़न ते लगा अच्छा उन्हें लिया के कर लिया घर आके मासी नू मनाया फुफी नू मनाया चाची नू मनाया ताए नू मनाया पूरा रिश्तेदार मना के वोटी भी लैन उहदे घर गया बरात लैके वोटी का पता लगे जी ब्यूटी पार्लर गई अच्छा मेरे पार्लर पे आई थी ना इनकी इन्हां दे पार्लर ते बिल्कुल आया हुई खतून ने इन्हां दे पार्लर ते मेरी बेगम सी अच्छा लो जी जदों उन्होंने मैं उते पार्लर तो लैन वास्ते गया उन्होंने मतलब पिक करने वास्ते मैं गया हाँ जी ते मेरी बीवी इंज थले उतरी है शोरिया राय भी की है उहदे अगे रे बसा अच्छा माशाल्लाह इतनी हसीन औरत मैं गया जिन्नी मैं भज दौड़ रिश्ते वास्ते कीती मेरी सारी थकावट लै गई वाह
ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਓ ਜੀ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਉਤਰੀ ਏ, ਇੰਜ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਤਾਨ ਦੀ ਮਲਕਾ। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਲਹਿਰਾ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਲੋ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਨੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਗਮ ਇੰਨੀ ਹਸੀਨ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਕਦਰ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਚਰਪਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਬੇਗਮ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਲਰ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਨਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਤੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਬੇਗਮ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਪਾਈਆ ਤੇਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਖਲੋਤੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਟਾ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਉਹ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਅੱਬਾ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖਣ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਮੁਰਗੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ, ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਪਕਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਘਰ ਪਕਾਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੂ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਸ਼ਗਨਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਰਾ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਿਜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲ ਨੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲਓ ਜੀ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਸੁਬਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸੀਨ ਖਾਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਅੱਜ ਝਰਨੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਆਬਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਨ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਬਸ਼ਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਲਓ ਜੀ ਉਸੀ ਆਬਸ਼ਾਰਾ 'ਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ? ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸੁੱਟਣ ਡਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏ ਜੀ, 5 ਤੋਲੇ ਦਾ ਲੌਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਲਾਬ ਚੋਂ ਮਜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਕੀ ਬੇਗਮ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਸੀਮੈਂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 7.5 ਲੱਖ। ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੋ ਆਪ ਬੀਬੀ ਗਲੋ ਕਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲੀਜੀਏ, ਬੀਬੀ ਗਲੋ ਫੋਰਐਵਰ ਗੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਬੀ ਗਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਗਲੋ ਦਾ ਵੀ ਨੀ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ, ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਮੀਦਾ ਨਸਰੀਨ ਜੀ, ਕੁਲੀ ਡੁਲੀ ਕੁਲੀ ਡੁਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੇੜਾ ਘਰੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਖਰਾਬ, ਤੂੰ ਸਿਗਰ ਲਾ ਲਾ ਉਹਨੀ ਦੇਰ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ।
क्या बुराई है टाइट वाले कर्ल्स की है, देखिए कितने टाइट है। मानो तेरा रैम्बो साहब इन्हें उठा दो, इतने तो मैं तुहानू भी नहीं उठा लो। ये कह रहे पर्चा मतलब मेरे पॉलर में कौन सा असला बिक रहा है। देखिए मैंने अपनी जॉब किया। अच्छा मेरी बात सुने, आप इतना ज्यादा क्यों कर देती है चेंज के बाद में वो खामद बीवी को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। आप इतना किया करें कि मतलब वो उसकी असल शक्ल भी रहनी चाहिए। साडे पार्लर ते ही कुछ हुंदा है, मैं तुहानू दस्सनी आ, असीं 7 दिन दे नाल कोल लैने आ टाइम। 7 दिन? हां जी, ताकि ना दुल्हन 7 दिन ना एक दिन छड़ के एक दिन आवे करे। असीं पहले उहनूं उपटन मलने आ, ठीक है, फिर उहदे तेल च सिर दी मालिश करने, तेल ला के ताकि उहदे वाल ना नीट क्लीन रहे। आजकल की लड़कियों को एलर्जी है ऑयल से। ओए ऑयल से एलर्जी है तो जो केमिकल लगदा ओदे नाल उनां दा ये वेखे की रोला पिया। मैंने लाश में केमिकल लगा दिए। मैं केमिकल लगा दिए फिर जी असीं उनां नूं मालिश करने आ, ठीक है, फिर उनां दे पैरां दी मालिश करने आ बड़ी सोहनी जी करके, फिर एडे सोहने चावे ना पैर रगड़ के आ चावा मैं तुहानू दस्स इन्हां कोल अजकल इंग्लिश लक्कड़ दे उत्ते ना ओह रेगमाल नी जिहड़ा इस्तरी भी साफ करदे ने, ओह लक्कड़ ते ला के ना ते ओहदे नाल पैर पूर धोंदे ने साफ करदे ने। साडे पुराने च चावा वट्टा फड़ो ते चावा। अच्छा अच्छा ओह मिट्टी दा बणिया जिहदे सुराख हुंदे ने। हां 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 इस ते चावा भी नहीं आए, किड्डा मासूम है जिवें पहाड़ा ते कदी ओह वेख्या ही नहीं। हाय हाय झूठ बोल रही है, ईट दा टोटा रखिया ओहदे नाल मुंडे नूं नवा लैंदी ओहदे नाल पैर धो लैंदी। खुले डुली चावा हों रैम्बो साहब कहते तेरे प्यार तो सदके चावा जिद कर तेनू खेड खड़ावा वे सजना नेरे होके आजा दादा फीडे ना दीदारी। मैंने कहा था ना थोड़े दिनों तक इससे तुमसे प्यार हो जाएगा। नकली काजल लांदी ने केमिकल आले जी, असि घर बनाने काजल। पार्लर दी मालक ते मुंह तेरा वेख डोरेमोन दी अम्मी वरगा होया। नहीं तो खूबसूरती तेन की भरिया भरिया मुंह ले एडा भरिया, एक सुक्का मुंह लेके टुर जाए बंदा। रैम्बो जी इन्हां दी प्रॉब्लम है, हुण वेखो मेहंदी जिहड़ी लांदियां ने किन्ने केस आए ने, कुड़ियां दे हाथ फुल गए, बाहां सड़ गई, पैर सड़ गए, आए ना किन्ने जी केस आते। इन्हां दे केस आंदे ने ना ए वड्डे पार्लरां दे पागल होए। साडे पार्लर दे वेखो असीं रात नूं मेहंदी भिओ के रखनी आ, मेहंदी है कि तुख मलंगा जिहड़ी असीं रात नूं भिओ के सौंदियां ते सुबह ठंडियां करके पी लैंदियां। देसी तरीके नाल ओहदे च कलर लै के आने असीं, ओहदे च असीं लीमू पाने आ, ठीक है। बाजी तू मेहंदी बना रही है, कंजी भी बना रही है, मेहंदी पा रही है। खैर ये सारी तेरा बेड़ा कर कोया बेड़ा कर ले, इतनी क्यूट लग रही है यार वो, देखो कितने टाइट कर्ल्स किए हैं। फिर तू ले जा नाल ले जा। आप मेरी बात मानो रैम्बो साहब, आप इन्हें समझाएं मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, आप इन्हें कहीं पुरफिजा मकाम पे लेके जाएं, थोड़ा यू नो रोमांटिसिज्म बढ़ाएं, आपको प्यार हो जाएगा। हां तो उससे जाके तो मुंह बदल जाना, ट्रक के सामने ले जाना, मरीद का खर्चा जरूर कराना। ताजी भी ना करो, मैं तुम्हारे पीछे अन्नी हो गई, पागल हो गई। तेरे पीछे मैं अन्ना हो गया, मेरे तो नजर ही कुछ नहीं आता। रैम्बो साहब जेडी औरत मैं लेके आया जी, औरत ही नहीं। ओके रैम्बो साहब, इनका बेड़ा फर्क मैंने किया, मैंने मान लिया। जब आपने इन्हें शादी के लिए पसंद किया तब आपको ये इनका चेहरा नजर नहीं आया? देखा था। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, तू तो भी इधर पार्लर से तैयार होके बैठी। अच्छा जब तो मैं देखने गया 1.5 किलो मेकअप उदो भी इन्हें मुंह से मलिया। जान गलत गल ना करो रैम्बो जी, 1.5 किलो नहीं मैं किलो पीता। हेलो हाँ मुझे बच्ची की अम्मी। चलो 1/2 किलो तो मेरा झूठ बनता। इनका बोटॉक्स करवाइए, इनके लिप्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, आगे थोड़े बड़े। और एक और बात आपको पता है, मैं इधर नलों गुलाम ही हूँ तो इन नलों व्याह कर लो। आज मैं आपको इतना बड़ा सीक्रेट बता रही हूँ जो हमारी हर मॉडल करती है लेकिन बताती कोई नहीं, यू नो आपको पता है कि आपको ये जॉ लाइन बहुत शार्प करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये पीछे वाले दांत दाढ़े होती है निकलवा दें, इनका फेस थोड़ा सा यू नो पाउट बन जाएगा। मैं सारे दांत काट देने ने लो पाउट का, मेरे को भी देसी इलाज है। बाजी तू ना गल पार्लर वाली गल करी, तेरा ते बार रक्षा कल होता है। नहीं राम ना खिलौनी बेड़ा गर्क करानी है। मैं बुटस दसता तानू किवें बनदे ने, जेन्युइन बुटस जिनको कहने किवें बनदे ने, के कैसे बनते हैं? छोटी पूछे बनाना क्या है, छोटी शीशे की कुजी लवो, छोटी कुजी ठीक इत फसा लो, हाँ जी वो 2 घंटे फसया रहने बाद तुम कडोगे एडे सोने इंज करके बनेंगे। मैं क्या बाजी जिम्मे तेरा पिंडा है ना,
ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਕਿ ਵੇਸਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆਪ ਕੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਤੇ ਹੈ 5 ਸੈਸ਼ਨਸ ਮੇ ਆਪਕੇ ਬੋਟੌਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਤੇ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਔਰ ਆਪਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਆਪ 6 ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਕੇ 1 ਸਾਲ ਕੇ ਲਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਕੇ ਹੋਂਟ ਪਤਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਕੋ 1 ਸਾਲ ਕੇ ਲਈ ਬੋਟੌਕਸ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜੈਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਆਪ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਤੇ ਜਬ ਮਾਂ ਖੁਦ ਗੀਲੇ ਪੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸੁੱਕੇ ਪੇ ਲਟਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਾਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਠਣ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਰਹਿਮੋ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਹਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਪਾਵੇ ਹਾਂ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੰਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਘੰਟਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੇ अच्छा जी दे आप इतने ज्यादा पैसे क्यों लेती हैं आप देखिए मेरे पॉलर में लाइटें जलती हैं कोई मोमबत्तियां नहीं जल रही मेरे पॉलर के खर्चे हैं टैक्स देना पड़ता है हर चीज पे तो आप टैक्स दे रहे हो शहर के बाकी रेंट इतने लाइटें ही चल रही हैं असली उस्मान बुजदार दे मोहल्ले चल जाइए जिथे लाइट नहीं है आप उनके पॉलर में ले जाए ना तो सीढ़ियों के नीचे मोटर के साथ अन्ने वाल लगी और वाल फुट रही होती है वाल फुट रही है बाजी तेरी है लाइटा क्यों लाई है तू मेकअप करनी है ऑपरेशन करनी है मैं एक एक और ऑप्शन भी है मेरे पास अगर आप मुनासिब समझे तो मैं इनके टोटल बाल चेंज कर देती हूँ अच्छा। बाल स्ट्रेट कर देती हूँ कलर चेंज कर लेती हूँ और यहाँ से सुई डाल के यहाँ से धागा निकलेगा और थोड़ा सा खींचेंगे तो जो नहीं नहीं पता कि जहाँ बनता है वहाँ तो आप आई करती नहीं जब थ्रेडिंग करवाती हूँ मेरी सुनो मेरी सुनो गल तुसी एक सुई इधरों पाओ एक इधरों पाओ ते मोटी डोरी इधर पा दे ताकि इन्हें मैं चौके उत्ते टांग दूँ मेरी जान छुट्टे इधर करो ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਣ ਡਈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸੂਈ ਲਵਾ ਲਓ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸੂਈ ਲਵਾ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਵਾਹ खर्चन तो बाद सारा कुछ होया जो होना सी क्या मतलब मेहमाना ने खुशी नहीं मनाई जब मेरा ही मूड खराब हो गया तो खुशी कितने मनाई जानी है जनाब देखिए अच्छी खासी सलामियां हुई है उन पैसों को जमा कीजिए अब देखिए शादी के टाइम पे मैंने इनको वैक्स किया अभी देखिए फिर इनकी हेयर ग्रोथ चूंकि ज्यादा है ना तो फिर आ गए हैं अब देखो दो बारी वट देना आया बाबा ने वट देना आया आपको मैंने कहा था वैक्स छोड़े लेजर ट्रीटमेंट ले ले फॉरएवर बाल खत्म हो जाएंगे बेटे कितने पैसे आप 2.5 लाख दे दे एक सेशन के मैं आपको परमानेंट हेयर 2.5 लाख है ना मैं तो कितना 2.5 इतना एक और ऑप्शन है मेरे पास एक और ऑप्शन और ऑप्शन है आप बैठे बाजी वो बड़ा ऑप्शन थे दस डेटा तू बार बार के लिए एक और ऑप्शन है देखिए आप अपने मियाँ को लुभाने की कोशिश तो करें ना मैं भी दस दिया ने नाल मियाँ ने फसाया था कि इनन दी हट्टियां चलदियां रहन आप कुछ ऐसा प्यार मोहब्बत की बात करें ताकि उनको प्यार हो जाए बाजी दसो तो सही ताडे ते माशाल्लाह 3-4 ਵਿਆਹ मैं बीबी गल सुन मैं तेन 3 लाख रुपया होर देंगा हाय थैंक यू मेरे कहने ते तू कम करना जी जरूर तेरी लत्ता खोल के बावा दी जगह ला दे बावा जगह थले ला दे ਤੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘਮਾ ਦੇ ਨੱਕ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਠੋਡੀ ਰੈਂਬੋ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਬਾੜੀ ਆ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕੁਤੇ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਆਪਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਟਰਸਟ ਮੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹਾਏ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਹਾਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਾਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਮਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਬੈਠੋ ਬਾਸ ਮੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ 75,000 ਦੇ ਦੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ 75,000 ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਠੰਡ ਚ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆ ਤੇਰੇ ਬਲਡੌਗਸ ਨੇ ਨਾ ਬਲਡੌਗਸ ਇਹ ਠੰਡ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਵੀ ਬਰਫ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ ਇੰਗ ਜੰਮ ਜਾਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ
बाजी तू काम कर मेनू आरे ते ले चल मेरे 5-6 हिस्से कर ले जेड़ा इनू हिस्सा पसंद आंदा बाकी साड़ दे। अच्छा आपके कितने खर्चे हैं जी? ए बेचारी आप पट्ठे खांदी एदा खर्चा की होना? आप अपने टैलेंट से इनको बसा के दिखा दे। अच्छा लखा रुपए तूला में ते बसावा मैं? ओके मुझे मत दे, इसको दे दे। मेरे को लांदे ते मैं बसांदी भी। अच्छा आपके पास कभी ऐसा केस आया कि आपने दुल्हन की शक्ल ही बदल दी हो, अगले दिन ऐसी हो कुछ? ना ना, गालियां पड़ती हैं, गंदा मेकअप करते हैं, मुंह धोए तो अच्छी निकल आती। ना ना, ये गलत कर रही है, बकवास कर रही है, महंगे पार्लर वाली है ना, बकवास कर रही है। साड़ी कल जड़ियां नहीं, सिर्फ जेन्युइन सोनी तैयार करी दी है। अच्छा ठीक है ना, भी उन्ने पैसे ले देने जिन्नी जरूरत होंगी है। ए बाजी तू तैयार होई है? मैं हां जी। देखो जो तैयार ना होई होवे तो की हाल है? की मतलब है? ऐसा ही मेकअप दुल्हनों को अच्छी लग रही है। जी मेरा नाम हमीदा नसरीन खुली डुली। खुली डुली का मतलब होता बेबाग भी मार देना, गाला भी कट देनी है। अच्छा नासिर, अगर आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे, नेल्स की वो आर्टिफिशियल नेल्स इतने क्यूट लगेंगे दोनों हाथों के, आप यकीन करें आपको प्यार हो जाएगा। ये देखिए किसके नील? नेल्स अपनी बेगम के लिए। मैं नील कराया, नील का मेरा तन मन नीलो नील। मैं तेन दस दिता मेरे को बाजो, मैं ना तेरे पास तुमने मेरी ओ रात खराब की है जदी मैं वीडियो बना रही सी। बेगम ही नाल नहीं सी जिन्हू मैं लेके अंदर गया, बाहर ही नहीं आए। नहीं नहीं वो यही बेगम भाजी जो नहीं सी। सरताज की कर रहे? सिर्फ मैं दांदी कट के बाहर रखे तुम पछाण नहीं छा। आपको पता है वो ट्रांसपेरेंट बीड मिलती है आजकल, सारी मॉडल्स लगाती हैं, उससे आपके दांत थोड़े ग्लो करते हैं, यू नो ब्राइट लगते हैं। असली किधर गए? असली मैंने तोड़ने पड़े। देखो असली इन्हें अपनी सास नु ला दी। अच्छा आपके चार्जेस और कितने और कितनी दुल्हन बनाती जी? मैं दिहाड़ी च माशाल्लाह 3-4 दुल्हन बना लेनी हां। 3-4 दुल्हन दी पर सलाह भी ना होवे तू बना ले। नहीं जी नहीं, कुड़ियां अपनी खुशी ना लांदियां ने मेरे पार्लर ते। अच्छा हां जी, ते मैं 25,000 रुपया रेट रखा है बच्ची दा, एक दा। अच्छा 25,000? जी जी 25,000 ज्यादा नहीं, असी रोज ते आण वाले। 5-10,000 ਚ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ, 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਰੋਣ ਦੇ। ਲੈਵਲ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਕਾਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਠੋਕਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਫਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਫਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਂਵਲੀ ਸਲੋਨੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਸਾਂਵਲੀ ਸਲੋਨੀ ਸੀ ਮਹਿਬੂਬਾ। ਸਾਂਵਲੀ ਸਲੋਨੀ ਦੇਖਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਮੇਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤੋ ਗੋਰੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਹਿਬਾ ਜੈਸੀ। ਅਦ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਨੇ ਨਾ, जो मुंह धोती है गोरी लड़की। अच्छा आप लड़े ना चले, आपका कारोबार अपनी जगह, इनका अपनी जगह, मेरी बर्बादी अपनी जगह, तुम्हारी बर्बादी अपनी जगह, जो मुकद्दरा चाहता है वही। लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है। ऑप्शन रहने दे आप, लेकिन मैं ना तेरे ऑप्शन लपेट के ना तेरे मथे च मार दिए। मैडम आप उतना मेकअप किया करें कि लड़की की शक्ल टोटल ना चाहिए, ताकि इसकी तरह अगले की चीखें ना निकलें दूसरे। बिल्कुल इतना होना चाहिए, लेकिन ठीक है आप करती। चीखें निकल भी जाए तो मेरे पास एक और ऑप्शन है। यार बस कर दे, खत्म हो गया शो का टाइम। बेगम मुंह धो के जब बाहर निकली, वॉशरूम च इंज दा चिकड़ होया, इंज दा चिकड़ होया जिवे कोई कच्ची कंध खुरी। कितनी बेस लगाई थी? लिक्विड बेस 1.5 किलो। लिक्विड बेस 1.5 किलो बेस की थी जी? बेस एक केस बेस थी की थी? ब्राइडल बेस पे। मैं तेरा एक मिनट, मेरे पास एक और ऑप्शन। तेरे ऑप्शन भी मैं तेरे को देना छोड़ा गया। हजार आपका वक्त खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा शो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक मिनट, एक आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।